फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं हम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, सबको क्वेश्चन में आता है वो, व्हाट इज ओम्स लॉ। ठीक है, हम इस बारे में बात करेंगे डिटेल्स में। चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। ये देखिए, दिस इज हाउ वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस आर रिलेटेड। देखिए कैसे, एक कंडक्टर जो है, ये जो दिखाता है वो एक कंडक्टर जैसा ही है। वोल्ट धकेलता है एम्पियर को, जो करंट होता है, करंट का जो पोजिशन को एम्परेज बोलते हैं। और ओम क्या है, ये टाइट करके बांध कर रखा है, मतलब आगे जाने नहीं देता है। एक एग्जांपल देखते हैं। ये सोचिए ज़रा, एक वो ये वाटर टैंक जो है, एक दोनों डिस्पेंसर पॉइंट है, पॉइंट पे भी दिखा है। एक वाटर टैंक सोचिए, एक आपका घर का ऊपर टैंक एक है वाटर टैंक, नीचे बाथरूम हो या कहीं टैप हो आता है। ये जो वाटर जो टैंक होता है ऊपर, वो है वोल्टेज, वो स्टोर होकर रहता है, वो वोल्टेज होता है। ठीक है, ये जो टैप लगा है वो रेजिस्टेंस आपको मालूम पड़ेगा। जब कहीं जगह हमको बंद कर दें, एक बाधा प्राप्त करें, वो होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, सेम हम लोग अगर कंडक्टर में, एक कंडक्टर में बैटरी एक एंड में डालें और पाथ उसको क्लोज करें, मतलब एक एंड में बैटरी दूसरे एंड में लगाएं, इसका सर्कुलस जैसे होगा सेम इसका प्रिंसिपल वही है। अगर रेजिस्टेंस डालेंगे तो वो भी रोक के रखेगा। ठीक है, सो ये तीनों साइंटिस्ट के जो रिलेटेड जो बना है वो ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ बोलते हैं, लेकिन इसका जो है फॉर्मूला तीनों को लेकर बना है। ठीक है, चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं कैसे। ठीक है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। ठीक है, कैसे है देखिए दोस्तों, ये पिक्चर देखिए। मान के चलिए हम लोग कंडक्टर रहते हैं, एक एंड में बैटरी लगाते हैं और दूसरा एंड लगाते हैं बैटरी के नेगेटिव पॉइंट में। ठीक है, वो क्या होगा, तब वो फ्री जो बैटरी में जो चार्ज रहेगा, फ्री लोटर घूमता रहेगा। ठीक है, क्योंकि बैटरी में जितना रहेगा उसका चार्ज, उसी का जो चार्ज नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से पूरा फ्री घूमता रहेगा चारों तरफ से, सर्किट के चारों तरफ से। ठीक है, जब हम उसमें एक रेजिस्टर लगा देते हैं, जिसका भी जितना रेजिस्टर लगाया तो क्या होगा, जितना करंट वो कंडक्टर फ्री घूम रहा होगा, वहाँ से क्या होगा, वो इसका जो रेजिस्टेंस रेजिस्टर लगाएगा तो उसका रेजिस्टेंस घटाएगा, करंट घटाएगा, क्योंकि वोल्टेज में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। वोल्टेज फ्री में, जब वोल्टेज का करंट है तो डायरेक्ट वोल्टेज को प्रोपोर्शनल, जब हम लोग रेजिस्टेंस डालेंगे, रजिस्टर डालेंगे, तो क्या होता है इनडायरेक्टली, वो क्या है इन्वर्सली, क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। ठीक है, जब बैटरी वोल्टेज हम लोग वो रजिस्टर के थ्रू जाएगा, क्या होता है उसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है, मतलब हम लोग एक बैटरी एंड को दिया है। ठीक है, उसमें से बैटरी जो सर्किट बनाया है हम लोग, उसमें से रजिस्टर एक डाला है 10 ओम्स का, एक देखिए मैं लिखा है ऑलरेडी, रजिस्टर डाला है, वो उसमें वोल्टेज ड्रॉप कराएगा। ठीक है, उसमें साथ साथ देखिए एक में ग्लो लैम्प करके लिखा है, वो ग्लो लैम्प, मतलब अगर रजिस्टर नहीं डालिए, ग्लो लैम्प खाली डालेंगे तो भी वो ग्लो लैम्प एक, वो अपना भी एक रेजिस्टेंस रहता है, वो रेजिस्टेंस के वजह से वो क्या है, वो भी वोल्टेज ड्रॉप करेगा, क्योंकि उसका अंदर थ्रू इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर जाता है, फ्लो होकर रिवर्स आके बैटरी में जाता है। सो क्या होता है, जब वोल्टेज है उसको पुश करता है तो इलेक्ट्रॉन चलता है, इलेक्ट्रॉन से आगे बढ़ने के बाद वो इलेक्ट्रॉन इसमें अंदर फ्लो होकर लैंप जो है वो ग्लो करता है, बाद में रिवर्स आता है, उस टाइम क्या है वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है, ये है प्रिंसिपल है। ठीक है, नेक्स्ट, जब क्या होता है, जब जितना अमाउंट ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है द सर्किट में, सर्किट के अंदर वो लैंप के अंदर फ्लो होकर रिवर्स आता है, जो अमाउंट ऑफ फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स उसको मेजर करते हैं, वही है एम्पियर जो करंट है, उसका सिंबल मैं अभी बता रहा हूँ। सो एग्जांपल में दो फिगर डाल रहे हैं, देखिए पहला फिगर में देखिए, एक 12 वोल्ट बैटरी लगाया है, देखिए कैसे ग्लो होता है लैंप में बिना रजिस्टर के, उसमें कितना लोड होता है 1.2 amps होता है। ठीक है, बिना रजिस्टर के, अभी रजिस्टर जब लगाया देखिए 0.60 amps होता है। ठीक है, सर्किट क्या होता है, जब रजिस्टर डालने के बाद वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अरे ये जो फॉर्मूला में एक ट्रायंगल शेप में बनाया गया है, जो कि इजी समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए सिंबल के तरह पहले देखिए, मैं लेफ्ट में आइए, देखिए रिलेशंस ऑफ ओम्स लॉ में नीचे लिखा है, वोल्टेज को सिंबल वी कहा जाता है, और
जो करंट होता है आई होता है, और रेजिस्टेंस जो है आर होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला कैसा है हम लोग देखते हैं। आपको अगर वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो इसका फॉर्मूला वी इजिकल टू आई आर, मतलब आपको वोल्टेज मिला है तो सोचिए वोल्टेज, इसका जो वोल्टेज चाहिए होगा तो पहले आप करंट कितना होगा और सर्किट में और रेजिस्टेंस कितना आता है वो दोनों मल्टीप्लाई करके आपको वोल्टेज मिल जाएगा, कितना वोल्टेज सर्किट में है। सेम अगर आपको करंट चाहिए, करंट नहीं मिल रहा है आपको, वोल्टेज और रेजिस्टेंस है, वोल्टेज और रेजिस्टेंस है तो आपको करंट के लिए आई इजिकल टू वी बाई आर है, ठीक है। सेम आर रेजिस्टेंस के लिए सेम है वी बाई आई, ऐसे ही फार्मूला है आपको इजी समझने के लिए। चलो शुक्र दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे।